गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक सही से पहुंच रही है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। जय गुरु जी। गुरु जी की तरफ से 4 बजे का हुक्म हुआ है तो मैं पूरे 4 बजे अपना सत्संग गुरु जी के साथ, अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करूंगी। पूरी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, लखों बेअंत शुक्राने गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। यस, थैंक यू अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्राना अंजलि जी का, प्रीति वर्मा आंटी जी का, जिनके माध्यम से आज मुझे आप सबके साथ ये सत्संग शेयर करने का हुक्म मिला। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 3-4 साल पहले शुरू हुई। हाँ, अम्बाला से हम हैं और अम्बाला मंडे को बंद होता है, तो मेरे हस्बैंड के एक दोस्त जो कि उनकी वाइफ गुरु जी को बहुत मानते थे, तो उन्होंने हमें बोला, जैसे मंडे ऑफ होता है तो हर बार सोमवार को कहीं ना कहीं जाना होता है कि चलो एक मंडे है तो आउटिंग के लिए हम लोग निकलते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके गुरु जी हैं तो बहुत प्यारा दरबार है, मंदिर है, तो एक दिन आप भी हमारे साथ चलना। तो हमने मंडे पे प्रोग्राम उनके साथ बना लिया। मंडे को प्रोग्राम बना और सुबह हम लोगों ने 8 बजे निकलना था उनके साथ। उन्होंने बोला कि आप कभी गए नहीं हो, तो मेरा बेटा छोटा, उनका बेटा भी दोस्त है, तो हम मंडे को आपको ले लेंगे और हम वहाँ चलेंगे, दोनों, वो हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ और हमारा बेटा। मंडे को सुबह हम लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए कि अभी भैया लोग आने वाले हैं गाड़ी लेके, हमें आज वहाँ जाना है। तो उनका कॉल आता है कि हमें तो कोई काम पड़ गया है तो मैं नहीं जा पाऊँगा, अगर आपको जाना ही है तो मेरी वाइफ को आप ले जाओ। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अब क्या करें, तो मैंने बोला नहीं, अगर अब प्रोग्राम बनाया है तो ज़रूर चलेंगे। हम लोगों ने अपनी गाड़ी उठाई, मुझे कुछ नहीं पता था कि हम जस्ट, गुरुजी जानते हैं सब सच, कि हम सिर्फ एक आउटिंग के लिए हम लोग निकले थे वहाँ पे जाने के लिए। जैसे ही रास्ते में हम लोग बैठे, हम लोग उनकी साथ, वो हमारे साथ बातें करते रहे और हमें बताते गए कि ऐसे मंदिर है, ऐसे गुरुजी हैं, गुरुजी थे उनका, ऐसे वहाँ पर ये है, आपकी गाड़ी अगर अंदर चली गई तो यू आर ब्लेस्ड, ये सब वो हमें सारे रास्ते उस मंदिर के लिए बताते गए। और ऐसे चाय प्रसाद मिलेगा, कुछ भी जूठा नहीं छोड़ना है,
और लाइन से ही बड़े डिसिप्लिन से अंदर जाना है, दर्शन करने हैं, बोलना नहीं है और ऐसे बाहर आना है। हम लोग गए, सेवादार वहाँ खड़े होते हैं जैसे बाहर, तो सीधी हमारी गाड़ी गुरुजी के मंदिर के आगे गई। तो उन्होंने बोला आप बड़े ब्लेस्ड हो कि आपकी गाड़ी आई। हमने कहा होगा ऐसा कोई, चलो सिस्टम यहाँ पर। हम लोग वहाँ पहुँचे मंदिर के अंदर, सिस्टम से लाइन में लगे, अंदर बैठे। बहुत अच्छा वक्त दिया गुरुजी ने अपने साथ अंदर बैठने का। तो हम लोग बैठे, मेरे हस्बैंड भी आइज बंद करके और मैं भी बैठ गई। बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। मंदिर के अंदर बैठने पर ही बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ से ये ब्लास्ट हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, काफ़ी देर हम बैठे रहे अंदर। एक बेचैनी सी लग रही थी मुझे, सिर में दर्द हो रहा था। मैं राधा स्वामी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमें भी जैसे मेडिटेशन का हुक्म है तो करते थे। ऐसा नहीं था कि मेडिटेशन में नहीं ध्यान लगता था, लेकिन वहाँ बैठ के इतना ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था कि बड़ी मुश्किल से जितनी भी देर गुरुजी ने हुक्म दिया हम बैठे वहाँ पे। वहाँ से निकले, चाय प्रसाद लिया, चाय का गिलास मिला। उसको पीने के बाद भी मैं उस गिलास से अपने फोरहेड को ऐसे करके करती रही कि शायद मुझे थोड़ा आराम आ जाए। जब हम लोग दर्शन करें, हम लोग आउट वाली लाइन में बाहर आ रहे थे, तो सेवादारों ने मुझे इन वाली लाइन में डाल दिया कि आप मंदिर जाओ अंदर। तो मुझे कुछ समझ नहीं थी तब, कुछ नहीं पता था क्या मतलब है इसका या क्या गुरुजी का हुक्म होता है या क्या मौज है। तो मैंने बोला नहीं नहीं हम अभी दर्शन करके आ चुके हैं। तो वो कहते अच्छा चलो ठीक है आंटी आप जाओ। हम लोग बाहर आ गए, मेरी फ्रेंड जो हमें लेके गए थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पहली बार आए हो तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा अंदर, क्या हुआ। पर मेरा बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल चुप रहूं कि सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो कि बहुत बहुत नास्तिक, कि किसी चीज़ को नहीं मानते, कभी मंदिर कभी गुरुद्वारे कहीं नहीं वो जाते थे, ना ही वो मानते थे किसी चीज़ को। तो वो जैसे ही मंदिर से दर्शन करके हम लोग बाहर निकलते हैं, बाहर आते हैं, गाड़ी के पास जाते हैं, तो वो एक ही शब्द उनके मुंह से निकलता है कि सुमन यहाँ पर तो कुछ है, कोई ऐसी शक्ति है और मुझे तो पता ही नहीं जब मैं मंदिर में था कि मैं वहाँ पर था, मैं तो कहीं और था। उनके मुख से ये सब सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा, यही बोला कि होगा चलो ठीक है। तो बाहर निकलने के बाद ही मेरे बेटा बॉम्बे था उस टाइम पे और बिटिया नोएडा थी, बड़े बच्चे मेरे दोनों। तो बोलते हैं कि हम करण तो हमारे साथ आया, आज अगले मंडे को मैं अपने तीनों बच्चों के साथ इस मंदिर में फिर से आऊँगा। उनका ये बोलना था तो हमारी थोड़ी सी बहस हो गई कि मैंने कहा आप कुछ भी बोल देते हो, ऐसे क्यों, हम क्यों आएंगे यहाँ, हम आज जस्ट आए थे, बस आज आपने दर्शन कर लिए तो बस अब हम हो गया। वो बोलते नहीं, हम नेक्स्ट मंडे फिर आऊँगा मैं अपने तीनों बच्चों के साथ। मैंने कहा चलो बोल रहे हैं ऐसे ही, एक नोएडा एक बॉम्बे है, कहाँ विद इन वीक प्रोग्राम कोई ऐसा बनेगा। पर सच में मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी का क्या करिश्मा था, गुरुजी का क्या कमाल था कि नेक्स्ट मंडे के बीच में ही, नेक्स्ट एक मंडे हम दर्शन करके आए हैं, अगले मंडे ही मेरे दोनों बच्चों का प्रोग्राम बना और वो लोग अम्बाला आ गए। और मंडे को ही, नेक्स्ट मंडे हम लोग खुद से, कोई हमारे साथ इनका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई नहीं था, हम पूरी फैमिली, तीनों मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग गुरुजी के मंदिर में थे। हमने फिर वहाँ दर्शन किए क्योंकि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मेरे हस्बैंड का। तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, जो बंदा कभी भी मंदिर में नहीं जाता, कहीं गुरुद्वारे नहीं जाता, कहीं नहीं जानते थे, किसी को नहीं मानते थे, सिर्फ कहते थे कि अच्छे कर्मास का ही फल मिलता है और अच्छा कर्म ही करना चाहिए इंसान को, किसी की हेल्प करना ये सब करते रहते हैं वो। लेकिन किसी मंदिर मंदिर में उनका कोई प्रॉपर नियम नहीं था ऐसे कि उन्होंने सुबह उठ के नहा धो के कोई पूजा पाठ करना है, नहीं था उनका नियम। एक मंडे दो मंडे ऐसे करके पता नहीं गुरुजी ने कितनी बार अपने मंदिर में बुलाया। उससे पहले अम्बाला में इतने सत्संग सब कुछ होता था, मैंने कभी कोई सत्संग पे मैं नहीं गई थी, किसी ग्रुप से मैं नहीं जुड़ी थी,
और ना ही मुझे कोई पता था कि ऐसे करके गुरुजी हैं और उनका ये सब होता है, सत्संग होता है या ग्रुप बने हुए हैं या कनेक्ट हो किसी से, नहीं। जुड़ते गए गुरुजी, कैसे जोड़ते गए, 1 साल की जर्नी में शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बिलीव नहीं किया गुरुजी जानते हैं, लेकिन गुरुजी ने हर बार एक एक लेयर, एक एक लेयर, एक एक लेयर हटा हटा कर दिखाया, एक एक चीज़ समझाई ऐसे, क्योंकि उन्होंने बाजू पकड़ी थी, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी आपका। वो दिखाते गए, उसके बाद भी सत्संग यहाँ पता चलते थे, होते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाऊँ। एक दिन की बात है कि मन में इतनी बेचैनी हो रही थी, इतनी बेचैनी हो रही थी, तो एक ग्रुप में प्रीति वर्मा आंटी ने मुझे मेंबर बनाया था, बीच में ज्वाइंट कराया था, लेकिन मैंने कभी वो ग्रुप ऐसे मैं ऐसे सच खोलती नहीं थी। सत्संग के बड़े मैसेज आते थे कि आज वहाँ है, आज वहाँ है, तो लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस दिन जैसे ही सुबह मैं उठी, ऐसे चांस है कि उसको खोलते हुए स्क्रॉल किया, तो वो उसमें एक अम्बेसी में होटल है एक, यहाँ पूरन पैलेस में, वहाँ पे एक सानिज है, नाम आया हुआ था कि सत्संग है। तो सत्संग मन में कि आज तो, और सुबह से ही बेचैनी हो रही थी कि मुझे आज सत्संग जाना है। तो जैसे उस दिन फ्रिज हमारा ख़राब था, तो जैसे ही मैं सत्संग के लिए निकलने के लिए तैयार हो रही थी, तो एकदम से फ्रिज वाला, इतने दिनों से आ नहीं रहा था, आ गया। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा आज मेरा मन था मैं ऐसे सत्संग में जाऊं और आज आपका ये आ गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं सर्वेंट भेज देता हूं, वो ठीक करा लेगा, तेरा मन है तो जा। जैसे करके 5 बजे, 4 बजे, 4 से 6 सत्संग था, मैं 5, सवा 5 बजे मैं वहां पहुंचती हूँ। मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है, क्या वो है, बस मन में आ रहा था आज गुरुजी ने खींचा था उस दिन बड़ी अच्छी तरह से कि आज तुझे आना है, देखता हूँ कैसे नहीं आती। वहां पे जब मैं जाती हूँ तो गुरबानी के शब्द बड़े ही प्यारे, बड़े ही सुंदर शब्द चल रहे थे। वहाँ संगत बैठी थी, बहुत अम्बाला में काफ़ी नॉन है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो काफ़ी नॉन संगत थी, माथा टेका, शांति थी बड़ी। वहाँ पर दर्शन किए गुरुजी के, सत्संग में बैठी, पता ही नहीं चला कि वो 40-45 मिनट का सत्संग जो भी सुनने को गुरुजी ने दिया, तो वो कैसे बीत गए नहीं पता चला। इतना अंदर तक इतनी शांति और इतना आनंद से भर दिया था गुरुजी ने। जब घर आई तो मन आत्मा सब इतना शांत था, वो जो एक बेचैनी लगी हुई थी वो शांत हो चुकी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर सोचा कि बस अब आज जाना था, चली गई, बस आज के बाद ऐसे नहीं जाऊंगी मैं सत्संग में, बस हो गया। पर गुरुजी नहीं, अगर जोड़ना है, उनका हुक्म है, हमारी तो कोई वो औकात नहीं है कि हम जुड़ सकें उनके साथ। अगर इस मस्तक पर उनका लिखा है, उनकी सोल है, तो वो अपने आप से ही खींचते हैं, और उन्होंने उसके बाद खींचना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी जब भी किसी सत्संग में जाती थी, लोग सत्संग शेयर करते थे, बोलते थे लव यू गुरुजी, तो मैं जब भी सत्संग में बैठती थी मैं एक ही बात बोल के आती थी कि गुरुजी जब तक मेरे को अंदर से और सच्चे दिल से आपसे प्यार नहीं होगा ना, तो मैं आपको लव यू गुरुजी कभी नहीं बोलूँगी। मैं पता नहीं क्यों, मतलब एक तरफ मन मानने लगता था, दूसरी तरफ नहीं हो जाता था, पता नहीं क्या होता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन बेटे मेरे की फ्लाइट थी तो बेंगलोर जाना था उसको, तो बिटिया मेरी नोएडा थी, तो हम लोग एक दिन पहले ही संडे को वहाँ चले गए क्योंकि मंडे ऑफ होता है और मंडे वहाँ मंदिर सारा दिन खुला होता है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हम संडे को चलते हैं, बिटिया के फ्लैट में रहेंगे, कार्तिक की मॉर्निंग की फ्लाइट है 6:30 बजे की, इसको छोड़ के 8 बजे मंदिर खुलता है, और क्योंकि बिजनेस भी इनका ऐसा है तो मुझे काफ़ी काम भी है, और हम लोग मंदिर दर्शन करके, मार्केट का काम करके हम लोग वापस आ जाएंगे, मंडे है हमारा फ्री है। मैंने कहा चलो ठीक है। हम लोग संडे को बिटिया के फ्लैट में रहे, बेटे की अगले दिन की 6:30 की फ्लाइट थी, मैं 4 बजे उठी। बस मन में एक ही बात था कि अगर आज मंदिर में जाना है तो चलो सुचे मुँह ही दर्शन करेंगे, और 7, 6:30 की फ्लाइट उसको छोड़ के वहाँ पर हम लोग जब मंदिर में पहुँचे तो एयरपोर्ट से मंदिर बिल्कुल पास ही, आधा घंटा ही लगता है। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो 7 बजे का, 7:15 का टाइम था,
तो 8 बजे गेट खुलना था, सेवादार वहाँ अपना सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि 8 बजे गेट खुलेगा, मुझे वॉशरूम जाना था। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मुझे वॉशरूम जाना है, वो कह रहे चलो चलते हैं। मैं वो बाहर खड़े हो गए और मैं वॉशरूम में, 7:20-7:25 का टाइम था, मैं वॉशरूम में जाती हूँ। पूरे वॉशरूम में कोई नहीं था, कोई सेवादार भी नहीं थे, क्योंकि 8 बजे शायद उन्होंने आना था या उससे पहले, मुझे नहीं पता। पूरे वॉशरूम जो लेडीज़ वॉशरूम थे वो सब खाली पड़े थे। मेरे पास बैग था, बैग में काफ़ी कैश था, क्योंकि इनको मार्केट का भी काम करना था, तो वो मेरे बड़े बैग में ही था। तो मैंने जैसे ही एंटर किया, पहला वॉशरूम, दूसरा, सब खाली पड़े थे, पर मुझे नहीं पता। मैं बिल्कुल लास्ट के वॉशरूम में, जिसके साथ सिंक वॉशबेसन हैं और स्लैब बनी हुई है, मैं उस वाले लास्ट वाले वॉशरूम में चले जाती हूँ। मुझे नहीं पता, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं एकदम से एंटर करते ही लेफ्ट साइड, जहाँ पर लेडीज़ वॉशरूम है, गेट के साथ ही जो वॉशरूम है राइट हैंड पे, वहाँ पर एक लेडी बैठी है चेयर पे, और ऐसे उसने किया हुआ है, और सांवला सा उसका रंग था, और चेहरे पे चंदन का तिलक था और साथ में दूसरा तिलक था, इतना नूर था उस चेहरे पे। मुझे नहीं पता, मैं जैसे ही एंटर करा, मैंने एकदम से उनको ये बोला, हाँ आप यहाँ बैठे हो? वो कहते हाँ जी मैं यहाँ बैठी हूँ। और मैं उनके साथ देख के, मेरा तो बिल्कुल कुछ नहीं मुझे पता, बस मैंने उनके साथ बातें करनी शुरू करी। आप यहाँ, मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैंने बोला कि बैग में काफ़ी कैश था, तो मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा कि बैग बाहर स्लैब पे रखूँ, फिर उनका एकदम से अंदर से ही आवाज़ आती कि यार नहीं, इनके चेहरे पे तो बड़ा नूर है, इन्होंने, मैं बैग यहीं रख देती। मैंने कहा मैं बैग यहाँ रख दूँ, मैं वॉशरूम? वो कहते हाँ आप जाओ। लास्ट वाला सॉरी, बिल्कुल मैंने टॉयलेट यूज़ किया, मैंने वहाँ हाथ नहीं, मैंने देखा है वहाँ बड़े मंदिर में कि वहाँ पर सेवादार जो होते हैं वो लास्ट जो वॉशबेसिन है वहाँ पे हाथ नहीं धोने देते हैं। मैंने को अंदर से, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं यहाँ हाथ धो लूँ? कहते हैं हाँ हाँ आप हाथ धो लो। मैंने वहाँ हाथ धोए, और उसके बाद मैंने उनके साथ जब बातें करनी शुरू की, आप कहाँ से आए? कह रहे बस यहीं से, यहीं से। मैंने कहा अच्छा, तो आप यहाँ पर काम करते हो? कहते हैं हाँ जी। तो मैं उनसे बातें कर रही हूँ कि अच्छा आपको काम के पैसे मिलते हो? कहते हैं हाँ, और क्या, बिना का पैसों के आज के टाइम में कौन काम करता है? मैंने कहा अच्छा आप कब से कर रहे हो? मैं तब से, उन्होंने मुझे वो वाली हिस्ट्री बताई, जब पहले एक, मुझे नहीं पता था कि एक छोटा सा ही यहाँ पर एक मंदिर होता था, और कच्ची रोड होती थी उसकी साइड में, और वो मुझे बताने लगी कि मैं, वो एक आंटी थे, उनका उन्होंने नाम लिया, बड़े पुराने वहाँ पे गुरुजी के कोई होंगे, जब गुरुजी थे अपने उसमें, तो वो आंटी के साथ मैं आती थी, मैं सीधा बस यहाँ काम करती थी, मैं चली जाती थी, और लेकिन मैं कभी गुरुजी के मंदिर में अंदर माथा टेकने नहीं जाती थी। तो एक बार मैं बहुत बीमार हो गई, और मुझे गुरुजी सपने में आए, और मैं फिर गुरुजी के मंदिर में दर्शन करने गई, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि माथा टेकने से नहीं कुछ होता, सेवा करने से ही फल मिलता है, कर्म करते हैं। तो उसके बाद से मैं पहले ऐसे ही बस करती थी काम, मन से नहीं करती थी, फिर मैंने मन से करना शुरू किया। ये सब करते करते मुझे उनके साथ बातें करते हुए आधा घंटा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे, मैंने देखा कि ओहो बहुत टाइम हो गया, तो मैंने बोला कि ओहो मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हैं, तो बहुत गुस्सा होंगे कि ये अंदर गई थी वापस ही नहीं आई। मैं सच में संगत जी, मैं जब बाहर आती हूँ, मेरे हस्बैंड खड़े थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, तो 7:45 हो चुके थे, तो वो बोले 8 बजे तो गेट खुलने वाला है, 7:45 हो चुके हैं। मैंने कहा हाँ जी चलो चलते हैं। हम मंदिर के गेट के बाहर ही उन्होंने एक कारपेट लगा दिया, सर्दी के दिन थे, हल्की हल्की धूप आ रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। उन्होंने बोला कि 8 बजे गेट खुलेगा, 10 मिनट हैं, आप संगत जी यहाँ बैठे। हम लोग गेट के बाहर बैठे, जैसे ही गेट खुला, सबसे पहले हम ही लोग थे, हम लोगों ने अंदर गए, दर्शन किए, तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस अपनी ऐसे जैसे बिल्कुल साइलेंट, और अच्छे से इतने प्यारे दर्शन अंदर हुए, इतनी शांति। दर्शन करने के बाद जैसे ही चाय ली, चाय का प्रसाद लिया, चाय का प्रसाद लेने के बाद जब निकलने लगे, तो एक पिलर के ऊपर गुरुजी का येलो चोले में बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। वो स्वरूप की तरफ मेरा बेटा भी, मेरे हस्बैंड भी, छोटा बेटा भी साथ था। हम लोग जब
उस स्वरूप के आगे से मैं निकली तो मंदिर में जैसे लोग, कई लोग बड़ी ऑफिस वाले भी थे शायद, मंडे को कई लेडीज भी थी जो दर्शन तेजी तेजी से करके भाग रही थी। तो मेरे मन में आ रहा था कि क्या है, कुछ भी नहीं है, क्या संसार है, ये क्यों भाग रहे हैं इतना, इस मंदिर में आए हैं, ये आराम से दर्शन करें, शांति से, कितनी शांति है यहाँ पर। ये पूरा गुरुजी की परिक्रमा मंदिर की करते हुए जब उस पिलर के आगे मैं आती हूँ, गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप देखती हूँ, तो मुझे एकदम से आवाज आती है कि हुन समझी कुछ। और मैं जैसे कि हिप्नोटाइज हुई हुई थी, मैं बिल्कुल एकदम से ऐसे चौंक जाती हूँ। मेरा बेटा मुझे देखता है झटका लगते हुए, तो वो कहता है कि मम्मा आपको भी आवाज आई? मैंने कहा हाँ। तो हम बाहर आते हैं और मैं सुबह का वो सब, जो भी वॉशरूम गई थी, जो भी उनसे बातें की थी, मुझे सब भूल चुका था। तो बस एक ही चेहरा ध्यान था कि उन्होंने जो उस लेडी ने एक बहुत पुराना ऐसे लाइनिंग वाला, पुरानी वूल का जैसे दो जोड़ के बनाया होता है, वो पहना हुआ था। जैसे ही मैं बाहर आती हूँ, एकदम से झटका लगता है, बाहर आते हैं निकल के, गाड़ी में बैठते हैं, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम, करण आगे बैठ जाएगा, तुम पीछे बैठ जाओ, सुबह से उठी हुई हो और आराम से तुम लेट जाना। लेकिन मैंने उन बीच में ऐसे सीट पे रख के मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार सुबह वहाँ गाड़ी में बैठ के मुझे ध्यान आया कि सुबह वाला जो सारा कुछ हुआ था, कि वो तो वहाँ पर तो कोई ऐसे पेड काम ही नहीं करता, वहाँ पे तो सब सेवादार सेवा करते हैं। तो वो मुझे जो लेडी मिली थी वो कौन था, और वो सब कुछ मेरे दिमाग में पूरा सुबह वाला जो सीन है वो सब बिल्कुल रिकॉल हो गया। और मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो मैंने कहा क्या वो गुरुजी थे, मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, इन दोनों ने सत्संग मेरा सुना, ये बोलना सब। लेकिन मुझे चैन नहीं था, हम लोगों ने दिल्ली जो भी काम था इनका किया, हम घर वापस आए तो प्रीति वर्मा आंटी, उनको मैंने आते ही फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो आंटी कहने लगी कि आपको तो गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने कहा नहीं आंटी, मुझे नहीं पता, आप मुझे पता करके बताओ कि वहाँ पर क्या कोई ऐसे पेड एम्प्लॉय हैं वहाँ पर जो वॉशरूम में सेवा वगैरह करते हैं? तो वो कहते नहीं, वहाँ पर तो सब सेवादारी करते हैं। उसके बाद संगत जी, मैं जितनी भी बार गुरुजी के मंदिर में गई, मुझे कभी भी वो लेडी नज़र नहीं आई। मेरी आंखें हमेशा खोजती थी, देखती थी कि मैं वो देखूं कि मुझे सेम उसमें कोई वो लेडी नज़र आई, या वो सेवादारी हो सकता है मेरे को ही, जो भी था, लेकिन मुझे वो कभी नज़र नहीं आई। मुझे नहीं पता, ये गुरुजी की लीला, गुरुजी जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ, मेरे कुछ भी नहीं मुझे पता। बस उसके बाद 1 साल 1.5 साल के बाद गुरुजी अपने साथ जोड़ते गए जोड़ते गए। मैं राधा स्वामी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, खुद भी मुझे बाबा जी से नामदान मिला हुआ था, तो मेरे मन में हमेशा एक कश्मकश रहती थी कि मेरे पास नाम है, नाम की भक्ति है, लेकिन गुरुजी ने एक एक लेयर हटा के मुझे दिखाया कि कोई फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं नवरात्रों में अखंड जोत जगाई हुई थी, गुरुजी का भी स्वरूप, बाबा जी का भी, माता रानी की भी जोत जग रही थी। तो मैं जैसे ही 1 घंटे का सत्संग लगाकर मैं पाठ करती थी, तो वो जैसे ही वो सत्संग खत्म होता था, तो कोई ना कोई सत्संग ऐसा, जैसे आज मुझे मौका दिया गुरुजी ने शेयर करने का, तो ऐसा किसी ना किसी संगत का सत्संग कैसे चल जाता था जिसमें कि जो मेरे क्वेश्चन होते थे, जो मेरे अंदर हलचल मची होती थी, मुझे उनके आंसर उसमें मिल जाते थे, ये गुरुजी जानते हैं। 1-1.5 साल के बाद, उसके बाद मेरी बिटिया बड़ी हो गई थी, तो हम लोग उसके लिए शादी का प्लान कर रहे थे, हमें डुगरी सेवा का मौका मिला, हम लोग डुगरी गए। तो सुबह हम बैठे थे वहाँ पर, तो नीचे एक अंकल आए, कहते आंटी आप सेवा करोगे? हमने कहा हाँ जी। वो कहते चलो ऊपर चलो गुरुजी के दरबार में। गुरुजी के दरबार में गए तो वहाँ पर दिल्ली से संगत आई हुई थी जो कि सेवा कर रही थी, तो वो उन्होंने बोला कि आप फूलों की सेवा करोगे? तो वो फूलों की सेवा के लिए बिटिया को उन्होंने बोल दिया कि आप गुरुजी के दरबार में ये फूल लगाइए। एकदम से जैसे ही बिटिया लगाने लगती है, तो एक आंटी आती है, बोलती है चल चल बहुत सुंदर जो रंगोली है तुम बना रहे हो बेटे, ऐसे ही गुरुजी तुम्हारी अच्छी अच्छी से सजाएंगे, जल्दी से वो करेंगे। उस टाइम उनके शब्द निकले हुए ये नहीं लग रहा था कि ये इस आंटी जी ये बोल रही हैं, वो लग रहा था जैसे साक्षात गुरुजी ने ये शब्द
बोल दिए हों, उसके थोड़े टाइम बाद ही बिटिया का रिश्ता हो जाता है और शादी हो जाती है। शादी में मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि मुझे गुरुजी का दरबार लगाना है। हम लोगों ने बाहर जाके की थी, होटल में रहे थे हम लोग 3 4 दिन पैलेस में, तो वहाँ पर मैंने गुरुजी का स्वरूप रखकर रूम में, डुप्लेक्स रूम था उसमें मैंने गुरुजी की जोत जगाई। शादी में गुरुजी का दरबार लगा, ये सब उनकी ब्लेसिंग्स से कब कैसे होता चला गया मुझे नहीं पता। जब सुबह सारा कारज रात का, सुबह डोली बिटिया की जब चली गई, तो थोड़ी देर के लिए मैंने बेड पे ऐसे करके टेक ही लगाई थी। 7 बजे का टाइम होगा, 6:30 7 का, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इतना उस रूम में जो जग रही थी, इतना ज़्यादा वो हो गया, देख तो सही कहीं कुछ हो तो नहीं गया। संगत जी आप बिलीव करना, जब मैं उस रूम में आई जहाँ गुरुजी की जोत जग रही थी, इतनी तेज गुरुजी की लो, पूरी पूरा कमरा जगमग हो रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे कि गुरुजी कह रही हूँ कि बिटिया का सारा कारज हो गया, सब कुछ हो गया उनकी ब्लेसिंग्स के साथ, और अब वो जा रहे थे तो वो पूरा कमरा इतनी जोत की लपटें, कितनी सी जोत जग रही थी, और उस जोत की जो लपटें थी वो इतनी ऊंची ऊंची जा रही थी, और गुरुजी जैसे उस टाइम बोल रहे थे, मुझे अंदर से मतलब उनको देख के वो एहसास हो रहा था कि गुरुजी कह रहे थे कि सब काम सब कार्य सब सही से हो गया, आशीर्वाद से उनकी ब्लेसिंग से, और गुरुजी जा रहे थे। मतलब वो ये चीज़ें, ये सब कुछ, ये विश्वास, ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस, कई बार किसी से भी सत्संग शेयर करते करते जिस जगह पे आप बैठे हो इतनी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती है। गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा का गुरुजी ने मौका दिया 7 जुलाई को अपने बर्थडे पे, तो वो बर्तन उधर छोटी रसोई में किचन में सेवा थी, वो काम सेवा करते करते एकदम से झोंका आता था, इतना ज़्यादा सुना था गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती है कि वो दिल करता था ऐसे करके वो सब सांसों में ही समा जाए। तो वो ये गुरुजी के जितने शुक्राने करें संगत जी हम उतने कम हैं, जितने शुक्राने करें उतने कम हैं। जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है वो गुरुजी के हुक्म से होता है। आज तो इतना हो गया है कि अगर कोई चीज़ मिल रही है तो बहुत बहुत शुक्राना, नहीं मिल रही है तो भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जो भी होगा अब सरेंडर जब कर दिया है उस मालिक को, तो हमारा अच्छा हमारा बुरा उसको सब कुछ पता है। तो गुरुजी से शिकायतें कम शुक्राने ज़्यादा, यही हुक्म है उस मालिक का भी, सच्चे पातशाह का भी। और दिन रात अब सुबह उठते रात को सोते वाहिगुरु तेरा शुक्र है। बिटिया की शादी हो गई जैसा भी मैं आपको बता रही थी, उसके बाद 1 साल के बाद ही बच्चे US चले गए अपने मेरी सन इन लॉ इन अमेजोन, तो वो उसके बेस पे गई थी, और वर्क वीज़ा 6 महीने नहीं मिलता जब बिटिया यहाँ जॉब करती थी, जब वहाँ गई दोनों हस्बैंड वाइफ थे सियाटल में या US में इस टाइम भी, तो वो जब वहाँ यहाँ से एक मम्मा मैं जॉब छोड़ के जा रही हूँ और वहाँ पर मुझे 6 महीने तो जॉब मिलेगी नहीं, वर्क वीज़ा आने में टाइम लगता है, 4 6 महीने लगते हैं। तो मैंने उसको यही बोलती थी कि कोई बात नहीं गुरुजी हैं, और जब एकदम से जो बच्चा कभी ऐसे बाहर ना रहा हो अपने से दूर, वो शादी के बाद US जब 1 साल बाद ही चली गई, तो गुरुजी से प्रे की कि गुरुजी आपकी बच्ची है, आपको पता है हम जहाँ नहीं पहुँच सकते आप वहाँ हर जगह पर हो। तो वो हमेशा मुझे कहती थी मम्मा आप कहते हो ना गुरुजी बहुत सुनते हैं, तो मेरी जॉब का मैंने कहा तू सिर्फ कुछ टेंशन मत कर बेटा, देखना सब करेंगे गुरुजी, सबसे पहले तो तुम ये पता करो वहाँ पर कि मैंने सुना था कि हर जगह पर गुरुजी की संगत है, हर जगह पे गुरुजी के सत्संग होते हैं, तो बेटा आप पढ़े लिखे हो आप एक बार सर्च करके देखो। उसने सर्च किया तो एक पता चला, एक आंटी का नंबर था, उसने उस आंटी को कॉल किया, तो उस आंटी ने बोला कि हाँ बेटा यहाँ पे बिल्कुल सियाटल में जहाँ मेरी बिटिया रहती है उससे घर से 10 12 मिनट का ही रास्ता था, तो उसने बोला कि बेटा मैं आपको ग्रुप में ऐड करती हूँ और फिर उसके बाद आपके पास सत्संग का मैसेज आ जाया करेगा। गुरुजी ने उसको ग्रुप में जुड़वा दिया, उसने सत्संग पे जाना शुरू कर दिया। 2 4 महीने के बाद वर्क वीज़ा इतनी जल्दी आ गया, और अब जब कोविड था तो जहाँ पर लोगों को जॉब मिल नहीं रही थी,
और वहां पर मेरी बिटिया को गुरुजी ने इतनी बढ़िया जॉब दिलाई, घर बैठे हुए उसका सब टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ और बिटिया को जॉब भी मिल गई। और उसके बाद वो कहती थी, मम्मा सच में गुरुजी कमाल करते हैं। एक दिन अब इंडिया का और यूएस के कैलेंडर में चेंज था, उसके पास यूएस का कैलेंडर नहीं था, तो वो कहती थी, मम्मा मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब वो अभी मन में बोल रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी हर चीज़ दिलाते हैं, सब कुछ तुझे अपने आप मिल जाएगा। जब वो सत्संग में गई तो बाहर बहुत अच्छा सिस्टम है कि बहुत सारी स्वरूप क्या, कैलेंडर क्या, जो भी चीज़ें ऐसे डिस्प्ले उन्होंने करी होती हैं, जिस संगत के पास, जिस संगत को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ले सकती है। तो वो बिटिया अभी वहाँ सत्संग में करे, प्रणाम करा गुरुजी को, बैठी सत्संग में, जब उठी तो उन्होंने बोला कि जो भी ब्लेसिंग्स चाहिए वो संगत लेके जा सकती है। तो वहाँ पर कैलेंडर लगा हुआ था। वो जैसे ही सत्संग से घर आती है तो मुझे फ़ोन करती है, मम्मा मुझे कैलेंडर चाहिए था, गुरुजी ने तो मुझे कैलेंडर भी दे दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अपनी बच्ची को आपने यूएस भी संभाला, सबसे बड़ा शुक्राना। हम सब जानते हैं जो आज सिचुएशन है, जो आज पीरियड चल रहा है कोविड का, उसके दौरान भी गुरुजी ने हमारे सभी परिवार को, हम सबको, हमारी सारी प्यारी प्यारी संगत को सुरक्षित रखा है, अपना हाथ देकर रखा है। तो बेअंत शुक्राने हैं गुरुजी के। एक सत्संग और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। 1920 इनर व्हील क्लब अम्बाला का मुझे प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। अभी ये पीरियड जो प्रेसिडेंटशिप का होता है, ये 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। तो गुरुजी ने मौका दिया अपने क्लब से, एनजीओ है ये, इंटरनेशनल एनजीओ है इनर्वी क्लब ऑफ अम्बाला, रोटरी की ब्रांच है, रोटरी के जितने भी रोटेरियन हैं उनकी जो वाइफ है उनका क्लब होता है, ओनली फॉर लेडीज़ विंग, सर्व टू सोसाइटी। तो मुझे उसमें प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। मेरी 1 जुलाई को ओथ थी, उससे पहले ही मई में हम डुगरी होकर आए थे, और उसके थोड़े टाइम बाद ही 1 जुलाई को मेरे को अपनी सीट पे आना था। मेरे पास एक लेडी आती है जो कि 5-6 घरों में काम करती है, बहुत बुरी कंडीशन में थी, और ये सत्संग मेरे जीवन में बहुत बहुत अहमियत रखता है। सत्संग तो गुरुजी के सारे ही ऐसे हैं कि सुबह से रात हो जाए करते करते, पर ये सत्संग सच में कमाल का सत्संग है। तो वो मेरे पास आती है तो वो मुझे बोल है कि मेरे को ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है किडनी की, मेरी किडनियाँ ख़राब हैं, और मेरे को डॉक्टर ने बोला हुआ है, भाभी जी मुझे पता चला है कि आप बड़ी मदद करते हो पेशेंट्स की ऐसे करके अपने इनर क्लब की तरफ से, तो आप प्लीज़ मेरी भी कुछ सहायता करो। तो रोटरी हॉस्पिटल है यहाँ पर अम्बाला में, तो मैंने उसको बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम आपको रोटरी हॉस्पिटल में दिखा देते हैं। मैंने वहाँ पर भी दिखाया भाभी जी, वहाँ पर भी वो, और बहुत सारी जगह पे दिखाया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे नोन है, मैं उसको संगत जी हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। अभी मैंने उसको बोला कि अभी मेरी 1 जुलाई से प्रेसिडेंटशिप आने वाली है, तो जो पहले वाली प्रेसिडेंट है मैं उसको बोलती हूँ। उसने बोला कि मेरे पास 1 ही महीना रह गया है, मैं इतनी मदद कहाँ कर पाऊँगी, फंड भी लास्ट में ख़त्म हो जाते हैं चैरिटी करके, तो सुमन तुम जब अपने वाला टाइम आएगा देख लेना। तो वो एकदम से बोलती है कि आप 1 जुलाई तक मैं वेट करूँगी, मैं तो मर जाऊँगी तब तक। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी परीक्षा लेते हैं ना, तो वो शायद मेरा भी ये कोई वो है। मैं उसको रोटरी हॉस्पिटल में जैसे ही लेके जाती हूँ तो वो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इसकी एक किडनी तो बिल्कुल डैमेज है, लेकिन जो दूसरी किडनी है उसके अंदर इतना बड़ा स्टोन है, और स्टोन भी ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर हम दूरबीन ले जाके भी सर्जरी इसकी नहीं कर सकते हैं, और गॉल ब्लैडर इज ऑल्सो फुल ऑफ स्टोन्स। मेरे लिए ये सब सुनना, और उस पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल थी, वो इतनी वीक हो चुकी थी, उसका फीवर उतरता नहीं था, क्योंकि जो उसकी डैमेज किडनी थी उसने पस बनाकर अंदर इन्फेक्शन करके फैला दिया था, और उसकी हालत बहुत नाजुक थी, और उसको उस इन्फेक्शन की वजह से उसको फीवर चढ़ना चढ़ना मतलब लगातार चढ़ रहा था। तो जैसे ही मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब इसका कुछ तो करो आप, तो वो कहते हैं ठीक है, अभी की अभी 17,000 लगेंगे और मैं इसको बैग लगा दूंगा, और बैग लगाने के बाद जो इसके अंदर पस पड़ चुकी है खराब किडनी में, और उससे इसकी वो पस निकलेगी, तभी करके इसको थोड़ा सा आराम आएगा। मैंने चलो अपने, मेरे हमारे एक पीडीसी हैं कृष्णा सागर जी, वो भी एक दया की मूर्ति हैं हमारे लिए,
तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा आंटी अभी मैंने तो 1 जुलाई से आना है, लेकिन अभी अभी ऐसे ऐसे एक पेशेंट आया। तो वो कहते चलो कोई नहीं बेटे, हम हेल्प करते हैं, ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं किसी को, इतनी गरीब लेडी है। हस्बैंड उसका बहुत ज़्यादा शराब पीता था, 2 जवान बेटी और बेटा था, वो बेटी ही माँ को ले लेके घूम रही थी। तो हमने चलो जैसे उसका वो बैग लगवाया और उसको करा, उसके बाद बड़ा कोशिश किया कि चलो इसको पीजीआई में दिखा दिया जाए। पीजीआई में भी उसको किसी तरह से करने के बाद संगत जी उसको भेजा वहाँ, लेकिन वो वहाँ भी डेट उसको आगे दिसंबर की मिली, लेकिन दिसंबर तक उसने बचना नहीं था क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अब सुबह उठती थी, सबसे पहले गुरु जी के स्वरूप के पास जाकर ये अरदास करती थी, गुरु जी आप प्लीज़ इसको ठीक करो पेशेंट को, तो अगर आपने इसको बचाना है तो ही मेरे पास आई है ना ये। बस वो गुरुजी ने क्या कमाल किया, वो डॉक्टर साहब से मिले, वो बोलते इतना खर्चा आगा लेकिन इसकी किडनी में जो स्टोन है पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव, एक किडनी बिल्कुल डैमेज है, गॉल ब्लैडर फुल ऑफ स्टोन्स है, दूसरी किडनी में इतना बड़ा स्टोन है जहाँ पर कि दूरबीन भी नहीं जा सकती, तो क्या बनेगा। अपने जो रोटेरियन ब्रदर्स हैं, सारे रोटरी क्लब के मेंबर हैं, उनसे बात की, वो कहें ये पेशेंट हमारे पास आया था, बहुत क्रिटिकल था, हमने इसको छोड़ दिया था, आप प्लीज़ इसके साथ मत लगें। मुझे ये लगता था कि नहीं, ये गुरुजी ने मेरे पास इसको किसी ना किसी कारण से ही भेजा है। तो मैं कहती थी गुरुजी अगर आपने इसका जीवन दान देना है इसको, तो प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी मदद करो। मैंने अपने सर्कल में सबको बोला कि ऐसे ऐसे एक पेशेंट है, फंड की ज़रूरत है। मुझे कहाँ से कैसे मदद आई मैं नहीं जानती, ये गुरुजी जानते हैं, देने वाले बैठे हैं। सबसे बड़ा अमेजिंग जो पार्ट था वो ये था कि जब उसका दोबारा अल्ट्रासाउंड उसका हुआ, पूरा ऑपरेशन के लिए तैयारी हो चुकी थी उसका स्टोन निकालने के लिए, जब दोबारा उसको अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गए कि एग्जैक्ट लोकेशन देखें, जब लेके गए तो वहाँ पर कोई स्टोन ही नहीं था। इस 1-1.5 महीने में उसके कोई वो स्टोन कहाँ गायब हुआ ये गुरुजी जानते हैं, मैं नहीं जानती। ये गुरुजी ने ऐसा कमाल किया, ऐसा कमाल किया कि वो उसकी डैमेज किडनी की सर्जरी कराई, हमने उसको बाहर निकलवाया। 2 महीने बाद उसकी दूसरी सर्जरी हुई जो कि गॉल ब्लैडर की थी, फुल ऑफ स्टोन्स था। आज वो जब भी मिलती है उसके बाद सबसे पहले ये कहती है, मैंने उसको गुरुजी का जल दिया, मैंने कहा जब तक आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, ये सब सब में 2-3 महीने लग गए, जुलाई मई से हम उसके साथ लगे थे, मई जून जुलाई, जुलाई 29 को उसकी लास्ट सर्जरी हुई, हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हुई और आज वो बिल्कुल अपने बच्चों के साथ ठीक है। ये गुरुजी ने की परीक्षा थी और गुरुजी का साथ था जो गुरुजी ने दिया और उसको नया जीवन मिला। वो मालिक क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। हमें एक विश्वास की जो डोर है उसको पकड़ कर रखना है। एक जैसे एक लेडी अपने हस्बैंड से हमेशा कंप्लेंट करती है, आप मेरा ध्यान नहीं रखते, आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे लिए, मैं आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, वो लड़ती रहती है दिन रात। एक रात को सोए हुए उस लेडी के सीने पर सांप होता है, हस्बैंड की एकदम से नींद खुलती है और वो उस सांप को उठाकर बाहर फेंक देता है, लेकिन वाइफ को पता भी नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने मेरी जान बचाई है। इसी तरह से ही हमारे गुरुजी हैं जो कि हमें नहीं पता किन किन मुसीबतों से, किन किन संकटों से कैसे हमें मुक्त कर देते हैं, हमें बचा देते हैं। हम सिर्फ अपने आज की किताब को, एक पन्ने को जानते हैं, उनके पास हमारी पूरी बुक है, उनको सब कुछ पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अगर हमने ये मान लिया और दिन रात सिर्फ शुक्राना करना सीख लिया और एक ही अरदास गुरुजी के आगे कि गुरुजी जो मुझे अच्छा लगे मत देना, जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे आप मुझे वही देना। जिस घर को मैं हमेशा चाहती थी कि एक गुरु घर बने, इसमें शब्द हो, इसमें पाठ हो, मेरे हस्बैंड माने, बच्चे सेवा में लगे, जो मेरा छोटा बेटा जिसकी मैंने आपको बताया मंदिर में मेरे साथ गया था, वो भी बड़ा हो रहा था, मुझे एक ही रहती थी चिंता कि मेरे घर के सभी परिवार के लोग उधर सेवा में जाते हैं, सेवा करते हैं, मेरे घर में ये वाला माहौल नहीं था, लेकिन गुरुजी ने मेरे घर में ये वाला माहौल बख्शा और
अपने साथ जोड़ा, अपनी सेवा में लगाया। मेरे हस्बैंड जो किसी चीज़ को नहीं मानते थे, आज बड़े मंदिर में गुरुजी ने कई बार उनको बुलाया, अपनी सेवा ली। यहाँ भी अगर कहीं सत्संग हो, उनको बुलावा आया हो, वो गए हों, और अगर सेवा करना का मौका गुरुजी दें तो वो जरूर करते हैं। ये गुरुजी के हुक्म के साथ ही होता है। तो संगत जी, आज अंजलि आंटी का, प्रीति वर्मा आंटी का, जिनके साथ हम अपनी हर प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा हमारे साथ हो जो हमें समझ ना हो, क्योंकि उनको गुरुजी ने बहुत उनका दामन पर उनका भी हाथ गुरुजी ने पकड़ा हुआ है, तो हम उनसे पूछ लेते हैं। हम बहुत ना समझ हैं, बहुत भूल चुक हो जाती है हमारे से, जाने में अनजाने में। तो यही कहेंगे, गुरुजी हमारी गलतियों को अपने बच्चे समझकर माफ़ कर देना, और हर पल हर क्षण आपका शुक्राना। गुरुजी आज आपने ये हुक्म दिया, आपका हुक्म सर माथे पर, जो मैंने सत्संग शेयर किया, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी, अनंतम अनंतम प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।